हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट सम है 8th क्लास का, वो सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमारी इक्वेशन है वो है, सॉल्व द फॉलोइंग 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो जो गिवन इक्वेशन है वो एज इट इज़ लिख लेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो एक साइड पर ले आएंगे, जैसे कि 3x और 2x जो है वो एक साइड पे आ जाएगा। उधर 2x पॉजिटिव था तो इसलिए हम दूसरी साइड पे जो है -2x की तरह लिखेंगे और 18 एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद जो है 3x से 2x जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाता है 1x, तो दूसरी और 18 एज इट इज़ रह जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब हम इसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, जो भी x की वैल्यू है हमारी वो हमारी गिवन इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे। जैसे हमारे पास x 18 है तो जिधर जिधर x है उधर उधर 18 हमने सब्सिट्यूट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो अब जो 3 के साथ x है, इसका मतलब है 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 के साथ जो x है वो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस 18 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। जिधर जिधर x है फिर उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, 3 मल्टीप्लाई x की जगह आ गया 18, 2 मल्टीप्लाई x की जगह आ गया 18 और प्लस 18। अभी 3 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 54, और दूसरी साइड हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 18। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ वो आ जाएगा 36 प्लस 18 एज इट इज़। अभी 36 और 18 को हम प्लस करेंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगा 54। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू निकली है इसकी वो बिल्कुल सही निकली है। बस यही है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम इसी एक्सरसाइज का सेकंड सम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है, सॉल्व द फॉलोइंग 5t-3 इज इक्वल्स टू 3t-5। तो फर्स्ट हम जब सॉल्व करेंगे तो जो गिवन इक्वेशन है एज इट इज़ आ जाएगी, 5t-3 इज इक्वल्स टू 3t-5। अब हम जो वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और कॉन्स्टेंट्स राइट हैंड साइड पे। जैसे कि 5t और 3t जो है वेरिएबल्स हैं और 3 और 5 जो है वो कॉन्स्टेंट है। अब हम लिखेंगे 5t-3t। -3t इसलिए लिखा है क्योंकि 3t उधर पॉजिटिव था तो दूसरी साइड आके माइनस का हो गया। इसी तरह -5 एज इट इज़ है, और जो माइनस का 3 है वो इधर राइट साइड पर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो अभी 5t-3t करें तो हमारे पास बचते हैं 2t इज इक्वल्स टू -5 और +3, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा -2। तो अभी हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, -2 एज इट इज़ ही है, और दूसरा जो टी के साथ 2 था वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को 2 से हम अगर करें तो 2 वन ज़ा 2 और 2 वन ज़ा 2, हमारे पास आ गया -1। तो टी की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है -1। तो अब हमने इस वैल्यू को चेक करने के लिए क्या करना है, जो भी हमारी इक्वेशन है गिवन वाली उसमें टी जिधर जिधर है उधर उधर -1 पुट कर देना है। तो इसके लिए हम पहले अपनी इक्वेशन ले लेंगे, 5t-3 इज इक्वल्स टू 3t-5। तो अभी 5 के साथ टी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और माइनस का 3। इसी तरह हमारे पास दूसरी और है 3 मल्टीप्लाई t माइनस का 5। तो अभी जिधर जिधर टी है उधर उधर वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू -1, 5 मल्टीप्लाई -1 -3 इज इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई टी की वैल्यू -1 और दूसरी और -5 एज इट इज़। अभी हम क्या करेंगे, 1 को -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5 और -3 एज इट इज़ आएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 और -5 एज इट इज़। -5 और -3 हमारे पास क्या हो जाएगा, -8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो -8 आ गया, और दूसरी और माइनस का 3 और -5 जे भी हो गया -8। तो हमारी दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब जो हमारी वैल्यू निकली थी टी की वो क्या है, ट्रू है। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।